सो तो व्हाट्सएप गाइस कैसे हो आप लोग आई होप सब अच्छे होंगे तो कह सकते वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोग ना ली है क्योंकि आज की वीडियो में हम रोटेशन ड्रैग के बारे में बात करेंगे कि रोटेशन ड्रैग कैसे करके वर्क करता है और आप रोटेशन ड्रैग में किसी भी बंदे को वन टैप कैसे मार सकते हो और गाइस इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे पिछले वाली वीडियो जो मैंने एम वाली वीडियो बनाई थी उसके लिए उसके नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ड्रैग मतलब रोटेशन ड्रैग जो है कैसे वर्क करता है उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाओ तो गाइस आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है कि रोटेशन ड्रैग जो है कैसे वर्क करता है और आप किसी भी बंदे को रोटेशन ड्रैग में

सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल को सेट कर देना और गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना तो चलो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद सबसे पहले जान लेते रोटेशन ड्रैग के बारे में जो कि ज्ञान की बात है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सुनना चाहिए कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो कैसे आपको समझाऊंगा तो आपको बेटर समझेगा ठीक है तो यह वाला क्लिप देख लेना तो वाला क्लिप देखना ठीक है इसमें आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा कि आपको रोटेशन ड्रैक कब इस्तेमाल करना चाहिए कब इस्तेमाल करना चाहिए देखो अभी इधर जो है मेरे को रोटेशन की जरूरत है ठीक है मैं अभी इधर कौन सा भी ड्राइक करूंगा ठीक है मैं सीधा होल्ड है होल्ड एंड करूंगा वो भी नहीं काम आएगा मैं स्ट्रेट ड्राइक करूंगा वो भी काम नहीं आएगा क्योंकि इधर देख सकते हो एक चीज आप ध्यान देना कि मेरा जो एम है देखो मैं जो दिखा रहा हूं अभी आपको एरो करके ठीक है मेरा जो एम है एनिमी से बहुत ही ज्यादा दूर है ठीक है अभी मैं इधर स्ट्रेट स्ट्रेट ड्राइक करूंगा तो बिल्कुल भी हाइड नहीं लगेगा क्योंकि शॉर्ट रेंज मतलब शॉर्ट गन का जो है ये मतलब रेंज ज्यादा दूर नहीं रहता उसके वजह से डिफॉल्ट भी जो है थोड़ा सा कम काम करेगा लॉन्ग रेंज में ठीक है तो मेरा जो एम है एनिमी से बहुत ज्यादा

और गाइस मैं आपको दो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें मैंने रोटेशन ट्रैक इस्तेमाल किया उसमें आपको ज्यादा बेटर समझेगा ठीक है तो गाइस पहले क्लिप की तरह बढ़ते जो कि गाइस मैं अभी आपको दिखाता हूँ ठीक है तो गाइस ये नॉर्मल स्पीड में ठीक है ये पहला ही क्लिप है ठीक है ये नॉर्मल स्पीड में ठीक है मैं आपको इसको स्लो मोशन में दिखाता हूँ कि कैसे करके मैंने रोटेशन ट्रैक दिया ठीक है तो देखो गाइस मैंने इसको स्लो मोशन में करके दिया मैं अभी स्ट्रेट ट्रैक कर रहा हूँ मतलब बंदा दूर है ठीक है और सीधा ही खड़ा है मैं स्ट्रेट ट्रैक कर रहा हूँ दो गोली फायरिंग की और कुछ को हेड नहीं लगा ठीक है अभी मैं उसको शॉर्टेज में जाऊँगा और रोटेशन ट्रैक करूँगा अभी कैसे करते हो मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है तो थोड़ा सा स्लो मोशन में करके

ट्रैक करने की जरूरत तो है मैंने जो आपको पहले बताया था वैसे आपको इधर रोटेशन ट्रैक करने की जरूरत है क्योंकि मेरा जो एम है बहुत ज्यादा दूर है तो मैं अभी इधर रोटेशन ट्रैक करूंगा तो मेरा जो एम है मेरा जो एम है देख सकते हो राइट साइड है ठीक है मेरा जो एम है लेफ्ट मतलब राइट साइड ज्यादा है ठीक है एनिमिस लेफ्ट साइड है ठीक है तो मेरे को क्या करना होगा जो अपना ड्रैग वाला जो अभी मेरे देख ले सकते हो जो ड्रैग वाला बटन है उसको मतलब राइट लेफ्ट साइड ड्रा करना सॉरी गैस राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड ड्रा करना आपको ठीक है लेफ्ट साइड ड्रा करूंगा तो मेरा क्या होगा देखो जो मेरा जो एम है एनिमिस की बॉडी पे चला जाएगा और फिर मेरे को ऊपर ड्रैक करना ठीक है अगर समझ लो कई जो मैं अभी आपको एम दिखा रहा हूँ ठीक है वो एम जो अगर आपका समझ लो एनिमस के सरक्यू ऊपर है ठीक है तो आपको नीचे ड्रा करना ठीक है पहले नीचे ड्रैक

वो लेफ्ट साइड जाएगा मैं जब ऊपर ड्रा करूंगा तो एनिमी को हेड शॉट लगेगा तो मैं अभी उसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं देखो अभी देखो गाइस मैंने ऊपर ड्रैक किया ठीक है क्योंकि गाइस मेरा जो एम है एनिमी के पास बॉडी के पास पहुंच चुका था अभी मैंने थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट साइड जो है ऊपर ड्रैक तो, अभी मैंने लेफ्ट साइड ऊपर ड्रैक क्यों किया क्योंकि गाइस एनिमी एक जगह पे खड़ा नहीं है लेफ्ट साइड रनिंग कर रहा है ठीक है लेफ्ट साइड जा रहा है इसीलिए मैंने लेफ्ट साइड जो है ऊपर ड्रैक किया अगर गाइस कोई भी एनिमी सीधा खड़ा रहता तो मैं डायरेक्ट सीधा ऊपर ड्राई कर देता बट वो लेफ्ट साइड जा रहा है इसीलिए मैंने लेफ्ट साइड ड्राय किया तो कैसे ऐसे करके रोटेशन ट्रैक आप मार सकते हो ठीक है अगर समझ लो कैसे एनिमिस राइट साइड जा रहा है तो कोई मतलब आपका जो एम है राइट साइड जा रहा है एनिमीज ठीक है और आपका जो एम है लेफ्ट साइड तो आपको लेफ्ट मतलब जो है राइट साइड आपको रोटेशन ट्रैक करना होगा तो गाइस वो आप धीरे मतलब जो एनिमीज जिस साइड जा रहा है उस हिसाब से आपको ड्रैक करना होगा तो गाइस ये पहली क्लिप होगी ठीक है मैं इसमें आपको समझा दिया आप दूसरे क्लिप में समझाऊंगा तो उसमें आपको जो भी डाउट रहेगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा उस क्लिप में आपको ज्यादा बेटर समझेगा इस क्लिप से भी ज्यादा बेटर समझेगा मैंने इसमें आपको ज्यादा डिटेल में बताया उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको सिंपली बता दूंगा ठीक है तो गाइस आ आ वाला क्लिप देखना ठीक है नॉर्मल स्पीड में ठीक है मैं, मैं आपको तो इसको स्लो मोशन में करके दिखाऊँ तो देखो ये वाला क्लिप ठीक है ये वाला क्लिप जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये वाला क्लिप देखो इस नॉर्मल स्पीड में अभी मैं इसको स्लो मोशन में करके दिखा रहा ठीक है तो ये देखो स्लो मोशन में ठीक है पहले मैंने सीधा ड्राइ किया था इस बंदे को ठीक है तो उसको हेड नहीं लगा ठीक है एनिमीज को अभी मैं देखो शॉर्ट रेंज में जाता हूँ उसको शॉर्ट रेंज में जाता हूं और एनिमीज एनिमिस रनिंग पोजिशन में ठीक है लेफ्ट साइड भाग के जा रहा है एनिमीज ठीक है तो देखो मैंने अभी मेरे को क्या करना है देखो मेरा जो एम है बहुत ज्यादा दूर है के ठीक है देखो मेरा जो एम है लेफ्ट साइड है मतलब राइट साइड है और

में रखना आप जगह एनिमिस सीधा है आप भी सीधा हो तो आप सीधा ड्रैग कर सकते हो अगर आपका एम जो है के बॉडी पे है तो अगर आपका जो एम है के बॉडी से बहुत ज्यादा दूर है ठीक है तभी आपको रोटेशन ड्रैग इस्तेमाल करना था तो आई होप गाइस कि आपको रोटेशन ड्रैग के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है तो बेझिझक जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर गाइस चैनल पर पहली बार आए तो जरूर जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऊपर सेट कर देना क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पास एटीफा के सब्सक्राइबर किया जिसने जिसने भाई सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो जरूर जाकर सब्सक्राइब करके बेलाइकन को ऑल के ऊपर सेट कर देना और गाइस इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में